SN Live सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SN Live। बता दें कि पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा साहब से मिलने AIMIM के 5 विधायक सिवान के नया किला मोड़ स्थित शहाबुद्दीन के घर पर पहुंचे और उन्होंने उसामा साहब से हाई लेवल मीटिंग में क्या कुछ कहा और क्या बातचीत हुई, आइए हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले SN Live पर। जी सर, बताया जाए। हम लोग तो समझिए कि जरा देर से आए, जिसका हमें सदमा है। मरहूम जनाबे डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब बहुत ही मुखलिस बेबाक लीडर रहे और समाज में नीचे करो यार आवाज रहे। उसके जाने का गम तमाम कर मरहूम तबके को है। उस गम से हम लोग भी दो चार उधर रमजान की वजह से फिर बात हुआ। अदिति वसामा दिल्ली में थे, जिसकी वजह से आने में हम लोग को देर हुई है। गम के इस मौके से हम शरीक, गम के इस मौके से हम शिरकत के लिए आए हैं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मरहूम की मगफरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करें। और हम लोगों के आने में देर, बारी बारी से हम लोग नहीं आए। पांचों हमारे जो MLAs हैं MIM के, वो सभी लोग आए हैं। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन साहब का हुक्म भी पहले था, वो बेचारे अभी नहीं आ सके हैं, लेकिन उनके तरफ से भी हम लोग ताज़ियत करने आए हैं। अपना भी फरीजा था ताज़ियत करने का। हम सभी लोग यहाँ पर इस वक्त MIM के खादिम लोग पहुँचे हुए हैं। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि रिश्ता अगर किसी आदमी को मंदिर से और मस्जिद से है तो सफ़र भी करता है तो बैठकर इबादत कर लेता है। अब कहिएगा कि नमाज के लिए कि पूजा के लिए। भाई असल मामला ताज़ियत के हम लोग आए हैं, है ना। गम में बर वक्त चुके बिहार की गवर्नमेंट, जिसकी जिम्मेदारी बनती थी कि जो लाखों लोगों के दिलों में बसते थे उसको अपनी बस्ती का कब्रिस्तान नसीब नहीं हो सका, इस मौके से हम लोग आ सके। और आज तो हम लोग बल्कि कहेंगे कि बिहार हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी, बल्कि सच्ची बात तो यह है कि जेड क्लास की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इस खानवाले से इनके ताल्लुक रहे। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कहा गया था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, जब उनसे हेल्प मांगा गया शहाबुद्दीन साहब के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप मदद RJD से मांगिए। इसमें कितनी सच्चाई है सर, जरा बताइए। नहीं, आप मदद RJD से मांगने के लिए इनके तरफ से कोई मदद की बात नहीं कही गई थी। उनके दोनों के तो रफीकाना ताल्लुक रहे। अब RJD का मामला इनके साथ जा रहा है वो तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। कि मैं सोच सिकंदरपुरी का एक शेर पढ़ता हूँ कि उन्होंने कहा था कि गुसल भी हो चुका, लोग कफना चुके, जिनके खातिर मरे वो ये कहने लगे, मरने वाले से अब रिश्ता नाता है क्या, कब्र तक जाना ज़रूरी है। मामला तो ये है कि उन लोगों से पूछिए, इनके रफीकाना ताल्लुकात थे। सर, अभी अपना क्या लग रहा है, जिस तरह से तेजस्वी यादव का क्या लग रहा है, जिस तरह तेजस्वी यादव का रवैया रहा है वो पहुंचे नहीं है, ऐसे में क्या लग रहा है अब ओसामा साहब को एक डिसीजन लेने की जरूरत है, सख्त डिसीजन लेने की। देखिए, ओसामा साहब जनाबे मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब का अक्स है और लोगों को क़यादत की तलाश है। और ओसामा में अल्लाह तबारक तआला ने बहुत सारी सिफत अदा की। एक तालीम याफ्ता नौजवान है, एक संजीदा नौजवान है और बाप की जमा मर्दी और बाप की तरह मुखलिस है वो नौजवान, इसलिए उनको मकाम मिलना चाहिए। इस बात की कोई पार्टी क्या किसी को लीडर बनाएगी, जिनके लोगों जिन लोगों के दिलों में बसे हुए थे। यकीनन है कि नौजवानों का जो तबका जिस जोश और जज्बे से और जो महरूम और मजलूम तबका जो उम्मीद भरी नज़रों से शहाबुद्दीन साहब की तरफ देख रहे थे, आज ओसामा की तरफ देख रहे हैं। आप सर, एक सवाल है कि सरकार में उथल पुथल मची हुई है, क्या होने वाला है, क्या लग रहा है? अब ये बातें तो अभी देखिए, हम लोग तो जान ही रहे हैं जी कि एक तरफ है माह रोशन, एक तरफ है माह रू, दो तरफ की आग में कैसे बचेगी आप रू। हमारा मामला तो ये है, एक तरफ मुखालिफिन की जमात है, एक तरफ हिज्ब हुकूमत है। उनको कहिए जो जोड़ने और तोड़ने के आदी हैं। MIM कभी भी इख्तदार की राजनीति नहीं करती। MIM का अपना साफ कहना है कि महरूम तबकात को इंसाफ मिले, लोगों को हक और हकूक मिले। हम इस बात के तलबगार हैं, हम इंसाफ के तलबगार हैं, हम इख्तदार के तोड़ने और जोड़ने पर बहुत विश्वास। सर, आपके पार्टी के विधायक इजहार जी जो आपके साथ हैं, उनको ऑफर मिला हुआ है राजद से, हाल ही में उन्होंने बयान दिया है कि अगर तेजस्वी यादव कुछ इस तरह का कदम उठाते हैं तो बिल्कुल हम लोग सोचेंगे, कैसे देखते हैं? अब सवाल ये पैदा, यकीनन है कि ऐवान में हम हैं और आवाम ने हमें जिता कर भेजा है, तो गाँव की सड़क पुल पुलियों के लिए नहीं भेजा है।
बल्कि बिहार में एक अच्छी हुकूमत बने, अच्छे लोगों के हाथों में इख्तदार आए, फिरका परस्ती से समाज बचे, इस तरह की कोशिश करनी चाहिए। तो उन्होंने तो ठीक ही कहा है कि भाई सभी लोग अभी खुशामद करते हैं, ये सिर्फ हुकूमत बनाने जोड़ने तोड़ने पर कोशिश करते हैं, अभी हम लोग देखेंगे जो समाज के लिए अच्छा होगा उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। सर शहाबुद्दीन साहब के परिवार को आरजेडी में बने रहना चाहिए या फिर पार्टी को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इस ऐन वक्त पे जब वहाँ पे उसामा साहब इधर उधर भटक रहे थे, किसी ने, जैसा कि इन लोगों का मानना है कि किसी ने मदद नहीं की, तो क्या करना चाहिए, आपका क्या इस पर विचार? सवाल ये पैदा होता है, हम तो चूंकि गम की इस महफिल में इस वक्त आए हैं उनसे शरीक होने के लिए, और मैं समझता हूँ उसामा एक साले फिक्र का तालीम याफ्ता नौजवान है, मरहूम शहाबुद्दीन साहब के सिक्के करीब करीब रहने वाले उनके दोस्तों का भी एक हलका है। अभी मरहूम की अहलिया मोहतरमा हिना साहबा वो इस वक्त इद्दत गुजार रही हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी संजीदा लेडी हैं, उसके बाद ये लोग जो भी फैसला लेंगे तो जाहिर है इनका फैसला सिर्फ इनकी ज़ात के लिए नहीं बल्कि उन तमाम तर लोगों को सामने में रख कर लेंगे जिनकी क़यादत मरहूम शहाबुद्दीन साहब करते रहे हैं, यकीनन है कि बेहतरीन फैसला लेंगे। अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जरा वक्त का इंतजार होना चाहिए, लोग खुद ही फैसला लेंगे, उस फैसले में हम लोग का क्या दखल हो सकता है। सर शाहबुद्दीन साहब के निधन को साजिश बताया जा रहा है, तो क्या लग रहा है अगर साजिश के तहत हत्या की गई तो उसामा साहब को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए? यकीनन है, उसामा साहब को हमने पहले भी कहा कि उसामा साहब को इस वक्त जेड क्लास की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, जो इस वक्त लाकानूनियत है और जो खौफ और हरास का माहौल बना हुआ ऐसे वक्त में तो चाहिए ही कि इनको वो किया जाए। आखिर मैं ये कहता हूँ कि जब शहाबुद्दीन साहब को बिहार की वादियों में नहीं रहने दिया गया और लॉ एंड ऑर्डर की कमजोरी ही तो थी कि दिल्ली भेजा गया, तो जब उसको भेजा गया है तो उसके बेटे की हिफाजत के लिए तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि उसको खातिर खा सिक्योरिटी का निजाम करें। सिक्किम में एक आदमी की मौत हुई थी जिसमें आपके पार्टी के वहाँ के विधायक ने उनको वहाँ से मौत मतलब उनको बुला करके यहाँ मैयत हुआ था उनका, लेकिन आप लोगों ने शहाबुद्दीन साहब की आवाज़ सदन में क्यों नहीं उठाया? सदन का मामला ये हुआ कि शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद आपको खबर होनी चाहिए कि सदन का एहतमाम नहीं हुआ है। हम लोगों ने अपने तरफ पर मजदूर पर पूरी कोशिश की कि शहाबुद्दीन साहब को घर लाया जा सके, हम ही नहीं बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, बल्कि बिहार के तड़पते हुए नौजवानों का एक बड़ा तबका हुजूम, लाखों लोगों की ख्वाहिश थी कि साहब शहाबुद्दीन साहब को दो गज जमीन अपने शहर में अपनी बस्ती में मिलनी चाहिए। ये तो हुकूमत को फैसला करने का वक्त था। कोरोना में आपने नहीं देखा कि कोरोना में एक समझिए कि कर्फ्यू का नफाज, लोगों की जबान बंद, सड़कों पर आना बंद, ये सारा कुछ तो गया इस तरह से गया कर्फ्यू के नफाज में इन लोगों ने फैसला लिया। हम लोग की पूरी ख्वाहिश थी, पूरी कोशिश थी, हमारे लीडर ने कोशिश की, हम लोगों ने कोशिश की, बड़े नेताओं का ऑफर आ रहा है इनके लिए क्या कहेंगे? भाईजान मामला ये है कि ये फैसला तो अजीजी उसामा साहब को, और जाहिर है कि उनकी वालदा इस वक्त इस हालत में नहीं है कि कोई सियासी फैसला ले, इद्दत के बाद मैं मुमकिन समझता हूँ कि कोई भी फैसला लेंगे उसामा तो बेहतर फैसला लेंगे, अच्छे बाप के बेटे हैं, अच्छा फैसला लेंगे, ये उनका फैसला। आज मीटिंग का मकसद था ये तो नहीं कि ओवैसी का नजर या उसामा साहब पे और बिहार पे मजबूत पकड़ करने की है? मामला ये है कि जरा इस बात का ख्याल, ये कोई मीटिंग नहीं है, ये आपके यहाँ भी हमारे यहाँ भी हर धड़कते हुए दिल और इंसान के इसमें है, खुशियों में शरीक। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।